व्यवस्था का? वो अपराध मुक्त भारत मिशन अपन को चला रहे थे ना सर। हाँ, चल रही है, जोर से चल रही है, दौड़ रही है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा बहुत दिन से चर्चा नहीं हुई अपनी, आप शायद रिकॉल कर पा रहे हैं। मुझे एक बार रिकॉल कराइए। मैं गुलाब सिंह राजा बस, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश महासचिव इंदौर। अच्छा। अपनी चर्चा हुई एक बार ऑनलाइन, अपन मीटिंग हुई थी, यूट्यूब पे अपन लाइव आई थे। रिकॉल हुआ? हाँ, रिकॉल तो हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें ये चीज समझना पड़ेगी कि हम सच में अच्छा भारत चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। और यदि चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए हमारा अपना प्रयास क्या है, क्या अपेक्षा की जा रही है, और उसे हम किस हद तक कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं क्या कर रहा हूँ जी। मैं राष्ट्रीय बेरोजगार युवा संघ करके एक संस्था रन कर रहा हूँ अभी। ओके। और साथ में एक समान शिक्षा को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारे कुछ सहयोगी हैं, राधेश्याम यादव करके हैं, जो बलिया में हैं। मैं आपको उनके बारे में चीजें भेज दूंगा। निरंतर एक समान शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और हम राष्ट्रीय बेरोजगार युवा संघ के माध्यम से जो अपने लोग हैं। एक बताओ, एक जी, हमें आंदोलन जो है वो हम करते रहे, लेकिन यदि हम लोगों को जोड़कर 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार पा लेते हैं तो मेरे ख्याल से इस देश का कल्याण हो जाएगा। जी, होने के लिए आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात। मैं आपको, जो आप कर रहे हैं उसे आप बड़ी प्रसन्नता से और बड़े तन्मयता से और बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? हमारे राजनेता जिन्होंने 77 साल में हमको अच्छे राजनेता नहीं दिए, जिन्होंने जानबूझकर जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से बाहुबलियों को, अपराधियों को और धनबलियों को पहचाना और उन्हीं को टिकट दिए, और फिर दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर अपराध करते हुए उनके वोट खरीदकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जनता के प्रतिनिधि बने, लेकिन जनता को उन्होंने कभी रिप्रेजेंट नहीं किया। वो पार्टी भिप से बंधे हुए बेहद ही कमजोर बंधुआ मजदूर से बेहतर कुछ भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि आजादी के 77 साल के बाद भी आपके ऊपर जो तंत्र थोपा हुआ है वही है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाया था? नहीं सर, लगता क्या है उससे भिन्न कुछ है? नहीं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप भी इस चीज को करना चाह रहे हैं, हम भी करना चाह रहे हैं, पर आप एक डायरेक्शन में नहीं चल पा रहे हैं दोनों लोग। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो आप कर रहे हैं करते रहे, ठीक है ना जी। डायरेक्शन की भी चिंता मत करें, समझे ना। डायरेक्शन जो है वो उद्देश्य आएगी अपने आप। जैसे जूम करिए कि आप बेरोजगारी वाली बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि रोजगार का मौलिक अधिकार दे देंगे, तो हम एक ही पक्ष के दो बात कर रहे हैं जी। आप जो है, आप शासन से मांग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि शासन के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। जी, तो यदि शासन के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आ रहा है, उल्टी भारत सरकार की जो है आय 20 गुना हो जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त कर देंगे 5 साल में। तो सर, अपन एक चीज करते हैं जी, अपन एक चीज ये करते हैं कि अपन सारी चीजों की रूपरेखा जमा ले। आप एक काम करें सर, अगर आप, मेरी संस्था है, आपको पता हो शायद, अपन शर्मा अकेडमी को रन कर रहे हैं जो अपने इंदौर में चल रही है। यूपीएससी एमपीपीएससी के बच्चों को अपन शिक्षित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के करीब 15,000 से 20,000 बच्चों को अपन पढ़ा चुके हैं। ये बताओ, ये जो ये बच्चे जो पढ़ के यूपीएससी करके आईएएस और आईपीएस बनेंगे जी जी, क्या इनसे हम देश के बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल सर कर रहे हैं, और वो बहुत नहीं, अच्छे बिल्कुल ये दल का जो ना देश का बदलाव नहीं करेंगे। ये अपने हित में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, अपने हित में उसे पास करेंगे, अपने हित में आईएएस आईपीएस बनेंगे और अपने हित में अपनी पोस्टिंग कराने के लिए राजनेताओं के चरण सेवक बनेंगे। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करके ही अपनी
सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहा है आज की नहीं, इस दौर वो में। सफलता की सीढ़ियां उसकी व्यक्तिगत हो जा रही है, जी 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 मतलब उससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप अपने विचारों को एक विस्तृत लेवल पर प्रसारित करें, जिसमें हम आपकी सहयोगी बन सकें, हम अपने लोगों को जोड़ सकें, अपने साथ चल सकें, एक ऐसी रूपरेखा बने जिसमें आप एक लीड कर रहे हो, एक अच्छे रोल में चल रहे हो, तो हम अपने आपके पीछे चलना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले जारी किया है जी, और जिसमें मैंने ये समझाया है, और वो ये शासकीय सेवकों के लिए है कि क्या आप अपने लिए ये महापरिवर्तित माहौल चाहते हैं। देखिए, आज हमारे शासकीय सेवकों की वेदना कोई नहीं समझता है, हम केवल इतनी ही बात समझते हैं कि इनमें से कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राइट जी, जो अपेक्षित उन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, राइट, उनका जो दायित्व तो बन रहा है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन वो किस दबाव में रह रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम। आज हमारे शासकीय सेवकों का कंडक्ट रूल क्या वही नहीं है जो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाया था, जिसपे वो विश्वास नहीं करते थे? सर क्षमा चाहेंगे, मैं आपकी बात को बीच में प्रतिबंधित कर रहा हूँ, एक बीच में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी, तो आप अगर अनुमति दें तो मैं उसको। हाँ, जरूर 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 जरूर, पूछिए पूछिए। मेरा एक सवाल था, जैसे आपने कहा कि अपन सारी रोजगार का अपन अधिकार दे देंगे, मौलिक अधिकार दे देंगे, आप जैसे जो बोल रहे हैं, तो वो अपन कैसे दे देंगे? अपन उसके लिए अपन चर्चा करें और अपन उसको पाने के लिए अपन प्रयास रखना हो, कैसे अपन वो चीज दे सकते हैं? देखिए, ये चीज देने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है कि जो आज हमारे वोट से चुने हुए लोग हैं जी, वो इसके लिए आवश्यक नियम कानून और चीजों को जमीन पे उतारें, राइट, ये तो संभव है ही नहीं है। अब ये संभव नहीं है जी। तो इसका इन्हीं के माध्यम से करने का मतलब है कि हम उन्हें मजबूर कर सकें, कैसे, और यदि वो मजबूर नहीं होते हैं तो फिर उन्हें रिप्लेस कर सकें, ये दोनों संभव है। देखिए, यदि हम लोग, अच्छा सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अपना जो लक्ष्य है अपन क्यों ना उसको एक प्लेटफॉर्म दें, एक एमपी में अपन यात्रा निकालें या कुछ ऐसा एक प्रोग्राम करें ताकि लोग अपन से जुड़ें और भारी मात्रा में अपन को जनबल मिले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम इसको करना दूसरे तरीके से चाह रहे हैं। जैसे अज्यूम करिए कि आप कोई आयोजन कर रहे हैं जी, उस आयोजन का नाम दें महापरिवर्तन के लिए ये आयोजन जी, और जो भी आप रैली निकालना चाहते हैं वो सब निकालें, उसका जो है फाइनली परिणति किसी एक जगह पे इकट्ठे हों और उसमें जो है मैथिली शरण गुप्त ये समझाएंगे कि कैसे बहुत साधारण उपाय से ये लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपको ना तो एक जुलूस निकालना पड़ेगा, ना धरना देना पड़ेगा, ना कलेक्टर एसपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना होगा, ना ही किसी कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना होगी, ना ही जंतर मंतर पर धरना देना होगा जी। तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तो जुलूस निकाल रहे हो तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट जी, आप उनको जुलूस को निकाल के लोगों को जो भी करके एक जगह पे यदि आप इकट्ठा करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त वहां पहुंच जाएंगे आपके बुलाने पर, और फिर हम ये समझाएंगे कि भाई साहब आप जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि महापरिवर्तित भारत 21 महालक्ष्यों के साथ और इन 5 फंडामेंटल राइट के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, 15 दिन में उन 8 साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है जी, और फिर बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा। कितने में? अधिकतम 30 दिन में, 30 दिन में, 30 दिन में अधिकतम। और इसमें जो है जजेज की, वकीलों की, पुलिस की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, किसी की सीमा बाधा नहीं बनेगी। मतलब ये मॉडल में इस बात का वो किया गया है, और जो जज महोदय हैं वो जजमेंट नहीं देंगे, वो न्याय करेंगे। तो आप कहेंगे साहब जजमेंट वो तो उनकी मर्जी है, वो जो करें, राइट जी, जी, बिल्कुल। तो इसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान किया गया है, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट
और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। यदि व्यक्ति जो है अपील अगेंस्ट जज प्रेफर कर रहा है तो कानून में प्रावधान होगा कि वो जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा कि उन्होंने सही तर्कों के आधार पर जो भी कारण थे उनके आधार पर जो निर्णय लिया है वो ठीक लिया है, राइट। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे और उनसे उन्हें हर जाना भी देना पड़ेगा जी। तो आज जो जज लॉर्ड बने हुए हैं वो न्यायाधिकारी न्यायाधीश सच मायने में न्यायाधीश कहलाएंगे। ऐसा भारत जिसमें झूठी रिपोर्ट करना एक बहुत बड़ा अपराध होगा, झूठी गवाही देना बहुत बड़ा अपराध होगा, ऐसे लोग जेल में सड़ेंगे। आज तो जो ना हर कोई षड्यंत्र करके झूठी रिपोर्ट लिखा रहा है, चाहे बैलेंस का हो, चाहे एससी एसटी का हो, चाहे इसका हो, चाहे उसका हो, चाहे दहेज प्रथा का हो। सर मैं एक मिनट एक सवाल पूछना चाह रहा था जी कि अभी 2028 में अपना चुनाव होने वाला है दोबारा से। हाँ हाँ एमपी में। तो अपन उसको लेके कुछ अपनी रूपरेखा बन रही है क्या सर? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्राइम फ्री भारत की अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन हो चुका है और ये राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं होगी। गठन हो गया, अपना प्रचार करेगी ना अपना कुछ करेगी। ये सिर्फ इसलिए अवतरित हुई है कि जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे क्राइम फ्री भारत के, ऐसे 543 लोगों को सांसद का टिकट दे दिया जाएगा। और यदि हम ईमानदारी से संकल्प और शपथ के साथ सिर्फ जो 10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प है, जिसमें हमें बाहरी लोगों को नहीं जोड़ना है, पहले अपने घर के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके 10-10 ऊर्जावान लोगों को संकल्प और शपथ करके जोड़ना है। आप कहेंगे साहब 100 करोड़ तो बहुत होता है, लोग बाग जो है ना छोटी छोटी चीजों में बटे हुए हैं, कोई जो है ना धर्मांध है, कोई जाति अंध है, कोई राजनीतिक अंधा है, तो इन अंधों के बीच में उनकी लॉयल्टी ऑलरेडी बटी हुई है, आप 100 करोड़ तक कैसे पहुंचे, राइट। तो इसका सबसे पहला उत्तर ये है कि भैया आप जाति में बटे रहो, हम बिल्कुल आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप जाति के बाहर निकलो, आप संप्रदाय में बटे रहो, हम भी आपको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, यदि आप धर्मांध हैं बने रहिए, हम उससे भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, यदि आप संकीर्ण राजनीति में बटे हुए हैं और आप अंधभक्त हैं बने रहिए, मतलब हम आपको बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं, ना आपका सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं, हम केवल आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको इन 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत चाहिए जिसमें आपको टैक्स भी नहीं लगेगा, जिसमें आपको बैंक से लोन नहीं लेना होगा, आपको अपने ही अकाउंट से जो है ना लोन मिल जाएगा अपने आप, बल्कि वो लोन होगा ही नहीं क्योंकि आपको कोई एप्लीकेशन नहीं लगाना है, जब आप अर्न करेंगे अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप बट जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्राइम फ्री भारत मिल रहा है, करप्शन फ्री भारत मिल रहा है, और यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीरो हो जाएगा, मतलब अपराध होगा उसका तत्काल संज्ञान होगा, वो भी बिना थाने जाए, 15 दिन में अधिकतम जो है अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा और अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, राइट। और सब लोगों को धन बांटा जाएगा जिसको हम रेवेन्यू स्ट्रीम कह रहे हैं, तो जो रिपोर्ट करेगा उसको जो है ना धन मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो गवाही देगा उसको मिलेगी, जज को मिलेगी, पुलिस वाले को भी मिलेगी, वकीलों को, दोनों डिफेंस और प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। इसका मतलब है आपको अपना डिफेंस लॉयर भी इंगेज नहीं करना पड़ेगा, उसको पैसा भी जो है सिस्टम की तरफ से मिलेगा, इवन आपके डिफेंस लॉयर को भी, और जितनी हम रेवेन्यू बांटेंगे उसका जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, राइट। इस प्रक्रिया में भारत सरकार के पास आज जो वो विभिन्न संसाधनों से पैसा कमा पा रही है उसका लगभग 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा, जी जी बिल्कुल, लगभग 10 गुना।
और क्राइम फ्री भारत का ही एक दूसरा मॉडल है जिसके तहत हम पेपर करेंसी मुक्त भारत लाएंगे और 2% की ट्रांजेक्शन फीस होगी, उससे भी आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, इस प्रकार 20 गुना पैसा होगा। तो हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भाई आप एक साथ मत करिए, पहले साल सभी टैक्स 50%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5% और पांचवें साल ये देश पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास 20 गुना पैसा पहुंच रहा है। सही बात है, और क्या, ठीक है ना भैया, पैसा पहुंचना चाहिए ना। यहाँ पर हम एक बार सर इंदौर आए आप सर संस्था पे, अपन बढ़िया एक बार आप बच्चों से भी मिलवाएं आपका, और अपन चर्चा करते हैं बैठ के कैसे अपन लोगों देश के लिए अपन सहयोगी हो सकते हैं। आपको जब फ्री है सर मुझे बता दें, अपन एक प्रोग्राम रख लेते हैं छोटा सा। आप विचार कर लो, जब आप कहेंगे तब हम आ जाएंगे। और अभी अपन निवास भोपाल में है सर? भोपाल में है। अच्छा अच्छा भोपाल। देखो एक और अपनी राजनीतिक गतिविधियां अभी मतलब पार्टी आप रजिस्टर कर ही रहे हैं, राजनीतिक मत कहिए इसको, राष्ट्रनीतिक कहिए क्योंकि इसमें राजनीति कहीं नहीं, राष्ट्र के लिए नीति निर्माण संघ है। यस, बेसिकली हम आपसे बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं कि ऐसे अच्छे तो आपको ये बताएं अपन कैसे सहयोगी बन सकते हैं आपके साथ। और सरल तरीका बताऊं जी, हमारे हर मैसेज में चार लिंक है जी। एक लिंक है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की जी। तो क्या आपने क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड किया है? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं जी जी, किया है। आपका सदस्यता क्रमांक क्या है? मैं एक्चुअली सर मैंने किया था लेकिन वो फोन मेरा क्या गुम हो गया था। कोई बात नहीं, अब दोबारा आप उस क्लिक कर लीजिए ऐप से तो आपका पुराना अच्छा आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा। अच्छा दोबारा से नंबर वही है तो दोबारा आ जाएगा, और यदि नया नंबर होगा तो फिर दूसरा तो नहीं आएगी जी, तो फ्रेश हो जाएगा। नहीं वो आप फिर से नए मेंबर बन जाएंगे ना। हाँ 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 वही, यदि आपका फोन नंबर पुराना है केवल सिम बदल गई है मतलब गुम गई है कुछ हो गया तो वो चेंज हो जाएगा, तो वो जो है सेम वापस आ जाएगा जहाँ आप होंगे वहां से स्टार्ट होगा। और यदि नया नंबर होगा तो आपको फिर नई आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा जी जी, ओके। तो उसको करना है। दूसरा जो है लिंक है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को का लिंक है जिसको सब्सक्राइब करना है जी, जी। तो क्या आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? जी किया है सर, किया है। तीसरा उसमें लिंक है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने का, तो टेलीग्राम ऐप का भी क्राइम फ्री भारत ग्रुप है उसको डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि उसके ग्रुप में जो है ना 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है जी, बिल्कुल, और उसमें 2 GB तक का हम वीडियो भेज सकते हैं और वो हमारी मेमोरी नहीं खाता है, वो टेलीग्राम ऐप की मेमोरी खाता है जी, जी, तो जी। ये बहुत सुविधाजनक है इसलिए क्योंकि जब आपको करोड़ों में जाना है तो एक ग्रुप 2 लाख का तो होना चाहिए, तब तो आप करोड़ों में पहुंचेंगे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि आप 1 करोड़ में पहुंचने के लिए आपको फिर 50 ग्रुप चाहिए होंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार फिर उसमें जो है एक लिंक है वो है क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल की, आप गूगल पर सर्च करिए तो उसमें हमारा आपको वेब पोर्टल मिल जाएगा जिसमें सैकड़ों वीडियोज हैं, डॉक्यूमेंट हैं जो समझा रहे हैं क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इस देश को बदलेंगे जी, जी। तो अब आपने एप्स को डाउनलोड कर लिया और उस ऐप को खोलेंगे तो प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो सभी को व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, जितने भी आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स को जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का फीचर है कि एक बार में आप 5 लोगों को ही कर सकते हैं, राइट जी, तो आप 5-5 करके जितने भी हों सबको भेज दीजिए। फिर आपको एक सूची बनाना है कि आपको जो है आपसे जुड़े लोग, चाहे वो घर के हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मित्र हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे जिन संगठनों में आप रहे हैं उनके लोग हों, जिनका उनमें 10-10 ऊर्जावान लोगों को अपन को आइडेंटिफाई करना है और उनको आप ऑलरेडी भेज चुके हैं तो उनसे फोन पे बात करना है, यदि उसी जगह पे हैं तो यदि चाय पे बुला ले।